सुजानपुर भाजयुमो के अध्यक्ष कपिल शर्मा ने राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर का सुजानपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। सुजानपुर में करोड़ों रुपए की सौगातें और विभिन्न प्रोजेक्टों का शिलान्यास करने पर जनता ने भी राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया। वहीं कपिल शर्मा ने कहा कि पिछले सप्ताह भी राज्य वित्त मंत्री द्वारा करोड़ों रुपए की नीम पत्थर रखी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी सौगात खोखा धारकों के लिए अनुराग ठाकुर राज्य वित्त मंत्री द्वारा 61 लाख के खोखों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई, जिसके लिए खोखा धारकों ने भी वित्त मंत्री का आभार जताया है। नमस्कार, आज वित्त कॉरपोरेट राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी 4 अलग अलग स्थानों पर लोगों के लिए विभिन्न कार्यों के लिए नीम पत्थर रखने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी का, जो तहे दिल से पूरे जी जान से राज्य सरकार की तरफ से, राष्ट्रीय तरफ से, जो भी हमारी सेंट्रल सरकार है, केंद्र सरकार है, उसकी तरफ से विभिन्न प्रोजेक्टों को सुजानपुर के लिए समर्पित कर रही है। करोड़ों रुपए का उद्घाटन, करोड़ों रुपए के नीम पत्थर पिछले हफ्ते भी माननीय केंद्रीय मंत्री लोगों को समर्पित करके गए थे और आज भी लगभग 20 से 25 करोड़ तक के नीम पत्थर ये रखने जा रहे हैं। जैसा कि सुजानपुर में आज खोखा धारकों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात वित्त कॉरपोरेट राज्य मंत्री देने जा रहे हैं, उसके साथ एक छोटा सा पवेलियन जो कि इस ग्राउंड के साथ बनेगा और लोगों में परिचित रहेगा। साथ ही साथ वो कुठेड़ा में रोड बाइंडिंग के लिए, कुठेड़ा चौक से लेके जो भी रोड आगे बाइंडिंग चल रही है उसके लिए भी करोड़ों रुपए का नीम पत्थर रखने जा रहे हैं। उसके लिए हम तहे दिल से माननीय वित्त कॉरपोरेट राज्य मंत्री, करोड़ों युवाओं के दिल की धड़कन अनुराग जी का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।